हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रियाज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आपके पास एक हार्ड डिस्क है और उसमें जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी इंटरनल खराबी की वजह से आपका जो हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट नहीं हो पाता है, आपका डेटा जो है वो क्रैश हो जाता है। और नॉर्मली जो कभी भी आप उसे फॉर्मेट करना चाहते हो तो उसमें जो भी एरर दे देता है, अनेबल टू फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क। ओके, तो उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन क्लिक करके उसके बाजू में बेल बटन जो दिया हुआ है उसको एक बार क्लिक कर दे, ताकि ऐसे ही जो आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो फ्रेंड, मैं हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा देता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स हम इसमें हार्ड डिस्क लगाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क इन ड्राइव जी बिफोर यू कैन यूज़। हर बार ऐसा आपको बताएगा जब भी आप डिस्क जो है उसको इंसर्ट करते हो। तो एक बार जो है हम उसे यहाँ से डिस्क को फॉर्मेट करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो 1 TB का हार्ड डिस्क है, यहाँ पे फाइल सिस्टम जो NTFS से क्विक फॉर्मेट है, और यहाँ से स्टार्ट दे देंगे। यहाँ से वार्निंग ओल्ड डेटा विल बी इरेजिंग, ओके दे देंगे, और देखते हैं कि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने इसको फॉर्मेट करने की ट्राई की तो यहाँ से विंडोज सोर्स अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है स्टार्ट मेनू में यहाँ पे चले जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ से सिंपली हमें CMD ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करते हो CMD, याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको जो है डिस्क पार्ट, बीच में स्पेस नहीं करना है, डिस्क पार्ट कंटिन्यू लिखना है, इतना करके डायरेक्ट एंटर लगा देंगे। उसके बाद लिस्ट डिस्क, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ फ्रेंड्स, इतना करके उसके बाद एंटर लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी जो डिस्क अवेलेबल है यहाँ पे वो सारी की सारी डिस्क यहाँ पे हमको शो हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्क जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है इस डिस्क में, और हमें जो फॉर्मेट करना है वो डिस्क यही है। यहाँ से साइज़ आप देख सकते हो, तो यहाँ से अब क्या करना है, सिलेक्ट डिस्क वन को जो है हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से डिस्क वन जो है सिलेक्ट हो चुका है अब हमारा। उसके बाद यहाँ से एक बार आपको क्या करना है, लिस्ट पार्टीशन, एक बार देख लेना है, अगर पार्टीशन ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, वरना यहाँ से आप जो है न्यू पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हो। अगर ऐसा आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कमेंट बॉक्स में नया पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है वो भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए हमारा जो यहाँ पे पार्टीशन है वो कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे जो पार्टीशन है हमारा उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट पार्टीशन वन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो पार्टीशन वन इज नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट फाइल सिस्टम इज इक्वल टू एक्सपेक्ट स्पेस करके क्विक, इतना लिखने के बाद यहाँ से आपको जो है एंटर लगा देना है। तो जैसे ही एंटर लगा देते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 100% कंप्लीटेड डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, मतलब आपका जो हार्ड ड्राइव है वो फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ से एग्जिट कमांड देके यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो डिवाइस है वो कंप्लीट आ चुका है, 931 GB का स्पेस है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देख लेना है, आप यहाँ पे फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उसको जो है डिलीट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो है फाइल क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अभी हम उसका नेम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको कुछ लग के जो है सेव कर देंगे, और बाद में उसको जो है डिलीट कर देंगे, मतलब हमारा भी हार्ड डिस्क जो है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, चैनल पे नए हो और ऐसे भी वीडियो देखना चाहते हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।